मित्रों आज इस कार्यक्रम में हम पहले तो एक कागज़ की पुंगी बनाएंगे और उसके बाद में ध्वनि पर आधारित कुछ छोटे छोटे से खिलौने वाद्य यंत्र बनाएंगे और अंत में आपको एक प्लास्टिक की एक चिड़िया दिखाएंगे जो चींची करती है और वो भी ध्वनि पर ही आधारित एक खिलौना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कागज़ की पुंगी कागज़ की एक एक रील जैसी है गोल नली जैसी है जिसको हमने बनाया है और उसके एक छोर के ऊपर एक छोटा सा फ्लैप जैसा है ये फ्लैप जो खुलता है और बंद होता है अब इस नली को पहले मैं अपने मुंह के अंदर रखूंगा और अंदर की ओर सांस खींचूंगा तो आप देखिए क्या होता है इसमें ये जो फ्लैप है कागज का टुकड़ा है जब मैं सांस खींचता हूं तो ये नली के साथ जाकर टकराता है और फिर दोबारा अपनी स्थिति पर वापस लौट जाता है इस तरह से ये जब कंपन करता है उसी से ये आवाज पैदा होती है इसको दोबारा एक बार देखिए आप इसको नीचे करेंगे देखेंगे कि इस पुंगी को हमने बनाया किस तरह से इसके लिए जो सामान चाहिए वो बहुत ही सरल से सामान है पुंगी को बनाने के लिए हमें एक कागज का आयताकार टुकड़ा चाहिए इसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर की होगी और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर की सबसे पहले हम इसमें एक छोटा सा फ्लैप बनाएंगे ये वो कागज का फ्लैप है और बाकी जो हिस्सा जिसको हमने काले से रंगा है इसको हम काट करके अलग कर देंगे इसको हमने कैंची से काटा और इस तरह से ये कुछ एक, एक किसी का एक, एक धड़ और उसके ऊपर एक छोटा सा एक सिर जैसा दिखाई देगा अब इसको इस कागज को के ऊपर हम एक पेंसिल रखेंगे और क्योंकि पेंसिल गोल है इस कागज को उसके ऊपर रोल करेंगे गोल गोल तो इससे एक गोलाकार एक बेलनाकार एक नली जैसी बनेगी और इसका सिरा आएगा तो यहां पर इस सिरे में हल्का सा गूंद लगा करके और इस सिरे को इस नली पर ही चिपका देंगे अब पेंसिल भी इसके अंदर घूम रही है तो ये बिल्कुल नली एकदम गोल कागज की नली बन गई है और इसके सिरे के ऊपर ये जो हिस्सा था जो फ्लैप है अब पेंसिल का ही सहारा लेकर के देखिए पेंसिल थोड़ी बाहर निकल रही है यहां पर ये काली इसका काला सिरा बाहर निकल रहा है अब थोड़ा सा पेंसिल का ही सारा लेके इस सिरे को हम मोड़ देते ये देखिए ये इसका फ्लैप बन जाता है और पेंसिल को बाहर निकाला हमने और ये इसका फ्लैप बन गया अब इस नली में मुँह डाल करके और जब हम अंदर को सांस लेंगे तो इसका थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा हमको दिखेगा कि अंदर बाहर हो रहा है इसको ऊपर नीचे करके अब दरअसल ये हो रहा है कि ये जो हिस्सा है जब अंदर को मैं सांस फूंकता हूं तो ये कागज का टुकड़ा इस नली के साथ आकर के इस तरह से टकराता है और फिर अपनी पुनः वापस चला जाता है और ऐसा इतनी तेजी से होता है और इसको हम कंपन कहते हैं उसी से ये ध्वनि पैदा होती है। इस कागज की पुंगी के बाद में हम कुछ इसी सिद्धांत पर आधारित छोटे छोटे से और खिलौने देखेंगे जिनसे आवाज़ पैदा होती है अब ये देखिए कि अगर ये है एक डोरे की रील जिस पे धागा लपेटते हैं उसकी एक गत्ते की एक मोटी सी रील है और इस पर हमने क्या करा है? एक प्लास्टिक की एक बहुत ही सख्त जो ट्रांसपेरेंसी का टुकड़ा इसको एक रबर के छल्ले के सहारे इसके साथ में बांध दिया है अभी देखिए ये आपको दिखाई देगा कि ये खुल रहा है और ये ये देखिए स्थिति में आप देख पाएंगे कि यह खुल रहा है और बंद हो रहा है और इसमें भी अगर मैं मुंह डाल करके सांस अंदर को खींचूंगा तो इसमें भी कंपन होगा और इसमें भी थोड़ी सी आवाज पैदा होगी पर कागज की पुंगी और इसकी आवाज में थोड़ा आपको फर्क नजर आया होगा क्योंकि ये थोड़ी सी सख्त है प्लास्टिक है उसकी वजह से ज्यादा आवाज होती है अब ये एक प्लास्टिक का पुराना पेन है प्लास्टिक का पुराना पेन है और इसमें भी वो ट्रांसपेरेंसी का जो छोटा सा टुकड़ा है अब प्लास्टिक का पेन होने की वजह से ये बहुत सख्त है इसमें भी इस छोटे से टुकड़े को हमने यहाँ पर लगाया और ये देखिए इसको अगर मैं कस के इसको मुंह में डाल करके कस के अंदर को सांस खींचता हूं इसमें बहुत बुलंद आवाज आती है अच्छा हम इसको एक बार खोल करके देखें अभी देखिए अब मैं इसको निकाल देता हूँ और इसमें क्या है ये है छोटा सा वो प्लास्टिक का टुकड़ा इसको आप जरा ध्यान से देखिए छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा है एक तरफ हमने त्रिकोण जैसा बना दिया है इसमें यह छोटा सा त्रिकोण जैसा है एक तरफ और इसको हमने इस पर रखा ये देखे और रखने के बाद में सिरे पर रखा और रबर का छल्ला इसके ऊपर इस तरह से चढ़ा दिया बस अब ये देखिए ये रही वो और इसमें अगर सांस खींचेंगे तो इसमें बहुत बुलंद आवाज आती है अभी जो हमारी कागज की जो हमने पुंगी बनाई थी उसकी तुलना प्लास्टिक वाली पुंगी से करें तो देखिए ये तो कागज की पुंगी है इसमें क्या है कि कागज थोड़ा सा मुलायम है और कागज जब कागज़ की नली के साथ ही टकराता है तो जो आवाज़ पैदा होती है वो इतनी तेज़ नहीं होती हुँ? और जबकि हम आ, इस प्लास्टिक की पुंगी में देखें तो क्योंकि ये प्लास्टिक की जो शीट है ये बहुत ये बहुत सख्त है और वो सख्त प्लास्टिक के साथ ही टकरा रही है तो इसमें जो आवाज़ पैदा होती है वो बहुत बुलंद होती है पर दोनों का सिद्धांत एक ही है दोनों में भी कोई एक एक झिल्ली एक है जो कंपन कर रही है टकरा रही है और उसी से आवाज पैदा हो रही है अब हम एक और बहुत ही मज़ेदार खिलौना देखेंगे इसका नाम है चींची करती चिड़िया इस खिलौने को शायद आप बना ना पाए पर यह है बहुत ही मज़ेदार तो इसको पहले देखते हैं अब ये देखिए ये चिड़िया जो है किसी कारखाने में बनी है और सबसे पहले हमें इसको पानी से भरना पड़ेगा और ये वो जगह है स्थान है जहाँ से हम फूकेंगे फूकने वाला स्थान है यहाँ पर एक छोटी सी सीटी है और ये हवा एकदम नीचे जाती है इसके पेट के अंदर जहाँ पानी होता है उससे पानी में उथल पुथल होती है और इसके पेट में जो हवा है उसके कंपन में बदल आती है और उससे इसमें चीची जैसी आवाज़ आती है अभी देखिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा एक बार पानी में डुबोएंगे पानी के अंदर थोड़े से बुलबुले आ रहे हैं और इसके पेट में पानी जा रहा है अब ये वो चुड़िया है जी और इस का जो नीचे वाली टंकी है इसमें पानी भरा है और जब मैं इसमें फूकूंगा तो ये देखिए और इस चुड़िया को मैं थोड़ा सा टेढ़ा करके या बाएं झुका के दाएं झुका करके इसमें आवाज़ों का जो सुर है वो भी बदलता जा रहा है इसको आप एक बार और इसका मजा लीजिए अब दरअसल इसके अंदर क्या हो रहा है कि जब मैं यहाँ से फूक रहा हूँ तो नीचे हवा जा रही है सीटी से और इसके अंदर पानी में काफ़ी उथल पुथल हो रही है और उसके उसकी जो इसकी जो पेट की जो कैविटी है उसमें जो हवा है, है? उसके कंपन भी बदल रहे हैं और उससे सुर तमाम सुर आपको बहुत मधुर चींची चींची जैसी आवाज सुनाई दे रही इस खिलौने को आप बना ना पाएंगे पर मुझे उम्मीद है कि आपको इसको बहुत मज़ा आएगा देखने के अंदर